हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नया वीडियो के लिए लेकर आया हूं। मैं मुंतोष मिश्रा, आपके इंग्लिश का गाइड वेल मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज मैं आपके लिए जो इडियम लेकर आया हूं वो हॉर्स से लेकर आया हूं। हॉर्स का नाम आपने सुना ही होगा। हम देखना चाहते हैं कि एसएससी में हॉर्स से कितने इंपॉर्टेंट इडियम्स आ चुके हैं और कितने इडियम आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हॉर्स से। आपको ये पता होना चाहिए या होगा कि हॉर्स के लिए दूसरे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वर्ड है स्टैलियन। स्टैलियन का मतलब भी हॉर्स ही होता है, घोड़े कहते हैं हम हॉर्सेस को। हमें देखना है किसका इडियम क्या क्या हो सकता है। एक इडियम हो सकता है फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। फ्रॉम हॉर्सेस का मतलब, हॉर्सेस माउथ का मतलब किस, और फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, डायरेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। जैसे आप कहते हैं कि मैं यह न्यूज जो है ऑथेंटिक सोर्स से कह रहा हूं, मुझे यह इसकी सही जानकारी है, तो आप क्या कहते हैं, आई गॉट द न्यूज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। आप कह सकते हैं हॉर्स फॉर द कोर्स। हॉर्स फॉर द कोर्स का मतलब है फिट सुटेबल पर्सन। जैसे आप कहते हैं मोदी इज हॉर्स फॉर द कोर्स, कि यह सही आदमी है, उचित व्यक्ति है, तो क्या कहते हैं, हॉर्स फॉर द कोर्स। आप कहते हैं 1, 2, 3 हॉर्स रेस। इसका मतलब होता है कि 1, 2 या 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति वाला कोई काम। तो जिस काम में सिर्फ एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है उसे क्या कहेंगे, 1 horse race। जिस काम में 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण है उसका क्या कहेंगे, 2 horse race। जिसमें 3 महत्वपूर्ण है क्या कहेंगे, 3 horse race। जैसे आप कहते हैं आजकल लोग बीजेपी पे कमेंट करते रहते हैं, बीजेपी इज 2 horse race। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी में बस 2 लोगों की चलती है। अब कौन से 2 लोग हैं आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहते हैं ईट अ हॉर्स कहने का मतलब क्या, घोड़े को खा जाओगे आप। ईट अ हॉर्स कहने का मतलब जैसे कहते हैं कि आपको कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ भी दे दो मैं कुछ भी खा सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन ईट अ हॉर्स। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी खाने को तैयार है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है। और अगर आप कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, तो ईट लाइक अ हॉर्स कहने का मतलब है कि आप भूख कर की तरह खा रहे, पेटू की तरह खा रहे, खाने पर टूट पड़े। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत चपड़ चपड़ करके खा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ईट लाइक अ हॉर्स। अगर आप कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, तो फ्लेग गड ऑफ फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है, अब फ्लॉग का मतलब क्या, कोड़े चलाना, डेड हॉर्स का मतलब क्या, मरे हुए घोड़े। अब किसी मरे हुए घोड़े को अगर कोड़े से मारेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब हुआ वो काम करना जिससे कोई फायदा ना हो, डू यूजलेस एक्टिविटी, जिससे कुछ ना आपको मिलने वाला हो। आप कहते हैं अ डार्क हॉर्स, ये तो बचपन से ही आपने सुना होगा, एसएससी में कई बार आ चुका है। अ डार्क हॉर्स का मतलब हुआ छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा व्यक्ति इसके विषय में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो क्या कर देगा क्या नहीं करेगा, तो इसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स, हुज क्वालिटीज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आप कहते हैं हॉर्स लाफ। हॉर्स लाफ का मतलब क्या है, ठाके मारकर हंसना, जोर जोर से हंसना। जैसे रावण को आपने देखा होगा हंसते में टीवी सीरियल में, हॉर्स लाफ, ठाके मारकर हंसना, जोर जोर से हंसना। अगर आप कहते हैं हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर कहते हैं, इसका मतलब बिल्कुल अलग। जैसे कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है, भारत और आसमान तो बिल्कुल दो, भारत और पाकिस्तान तो बिल्कुल दो अलग अलग तरह के देश है, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग तरह के, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान आर हॉर्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर आप कहते हैं चेंज द हॉर्स इन द मिड, चेंज द हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम। देखेंगे आप कई लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो काम करते करते बीच में अपने तरीके पत्ते स्टाइल बदलते रहते हैं, हो सकता है असफलता भी मिल जाती है, कभी सफलता भी मिलती है, तो बीच में कोई काम जल्दी बदलना नहीं चाहिए अपने प्लान को। तो चेंज द हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम का मतलब बीच में काम करते करते ही अपना क्या करना, प्लान बदल लेना, इसको कहेंगे चेंज द हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम। आप लिखते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब था गलत व्यक्ति का समर्थन करना। जैसे आपने कह दिया इन द लोकसभा, इन द यूपी असेंबली इलेक्शंस द समाजवादी पार्टी बैक द रॉन्ग हॉर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि गलत पार्टी का समर्थन कर दिया, ऐसे पार्टी का समर्थन किया जिसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर आप कहते हैं ड्राइव अ हॉर्स एंड कैरिज, कैरिज की जगह कुछ लोग कार्ट भी लिखते हैं, थ्रू समथिंग, तो इसका मतलब हुआ किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, किसी के प्लान में आपने क्या चला दिया, हॉर्स दौड़ा दिया, कैरिज दौड़ा दिया, इसका मतलब क्या, उसकी सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। तो आप कहते हैं यू हैव ड्रिवन अ हॉर्स एंड कैरिज थ्रू माई प्लान, तो इसका मतलब क्या, तुमने मेरे प्लान का चौपट कर दिया, तुमने मेरे प्लान को सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो यह कहना, तो क्या कहेंगे, ड्राइव अ हॉर्स एंड कैरिज थ्रू
समथिंग, आप कहते हैं सी और लुक अ गिफ्टेड हॉर्स इन इट्स माउथ। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको मुफ्त में मिली है, फ्री में मिली है, उसमें गलती निकालना ये बात गलत है। फिर आपको वो जो चीज मिली है वो भी लोग वापस ले लेगा। तो मुफ्त में मिली हुई चीज की नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। तो जो चीज मुफ्त में मिली है अगर उसमें कुछ खामी निकाल रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सी अ गिफ्टेड हॉर्स इन इट्स माउथ। आप कहते हैं होल्ड वंस हॉर्स, जैसे आप कहते हैं कोई गुस्से में है, कोई जब बेकाबू हो रहा था, आप कहते हैं थोड़ा सा थम जा, थोड़ा सा ठहर जा, धीरज धर, तो आप क्या कहेंगे, होल्ड योर हॉर्स। आप कहते हैं बी और गेट ऑन योर हाई हॉर्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं गेट हाई ऑन योर हॉर्स। इसका मतलब क्या है, अपने आप को अकलमंद समझना, अपने आप को ज्यादा काबिल समझना और दूसरे को बेवकूफ समझना। तो अगर आप अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं और दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे किसी व्यक्ति के विषय में, ही इज गेटिंग ऑन हिज हाई हॉर्स, यू आर गेटिंग ऑन योर हाई हॉर्स। ये अभी जो मैं लिख रहा हूं ये एसएससी में कई बार पूछ चुका है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब हुआ इसको उल्टा कर देना, गड़बड़ झाला कर देना। देख रहे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि कार्ट पहले रखना हॉर्स बाद में रखना, तो कैसा काम होगा, बिल्कुल अजीब सा काम होगा, बेतुका सा काम होगा। तो ये अगर कोई काम आप उल्टा करते हैं, गड़बड़ करते हैं, खराब करते हैं, तो क्या कहेंगे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, जैसे आप कई लोगों से को करते हुए आपने देखा होगा। आप कहते हैं विलिंग हॉर्स, विलिंग हॉर्स हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो ढूंढ ढूंढ कर काम करता है, काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जिसको काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं, विलिंग हॉर्स। आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो हो सकता है उसमें आपने पढ़ा हो हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, काफी ज्यादा ताकत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर। आपने हो सकता है एक और एडियम का नाम सुना हो हिंदी में, जैसे हम कहते हैं कि अब पछतात होत क्या जब गधे चुग गए खेत। अच्छा गधे नहीं, चिड़िया, ठीक है याद आ गया, मैं टेस्ट ले रहा था आपका। क्या कहते हैं, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉक द स्टेबल डोर और बार्न व्हेन या आफ्टर द हॉर्स हैज स्केप्ट, कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लॉक द स्टेबल डोर, कि स्टेबल डोर को या बार्न डोर को जिसमें हम घोड़े को रखते हैं स्टेबल में, उसको तब बंद करना जब घोड़े पास क्या हो, भाग चुके हो। तो कभी कोई काम तब करना जब काम करने का कोई फायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स हैज एस्केप्ड। तो ये आज आपके हॉर्स के इडियम थे। इससे एक फ्रेजल वर्ब भी है, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब हॉर्स अबाउट, हॉर्स अबाउट या हॉर्स अराउंड भी कह सकते हैं, हॉर्स अबाउट या हॉर्स अराउंड। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करते रहना जो यूजलेस हो, इधर उधर खेलते रहना, इधर उधर कुछ यूजलेस काम करते रहना, तो यू आर हॉर्सिंग अबाउट, इधर तो भागते रहते हो, खेलते रहते हो, कोई काम ढंग से नहीं करते हो, तो आपको क्या हॉर्स अबाउट या हॉर्स। इसका मतलब हॉर्स का इस्तेमाल हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। इसी से एक इंपॉर्टेंट और भी है वर्ड जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉर्स प्ले। हॉर्स प्ले का भी मतलब होता है कोई ऐसा काम करना, केयरलेसली काम करना, कुछ ऐसा काम करना जिसमें आपका आपका नुकसान हो सकता है, आपके जिसके साथ आप खेल रहे हैं उसका नुकसान हो सकता है, उसका बुरा हो सकता है। तो इस तरह से कोई एक्टिविटीज आप करते हैं जिसमें बिल्कुल केयरलेसली करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉर्स प्ले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी इससे वर्ड है जो आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं, जैसे कि गुजरात में जब इलेक्शन हुआ था या कर्नाटक में, आपने देखा होगा कि कई सारे सांसद को या एमएलए को उठाकर एक जगह होटल में जाके बंद करते, किस डर से, उस समय आप देखिएगा अक्सर पेपर में आता रहता है वर्ड हॉर्स ट्रेडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर मैगजीन मिलेगा। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि गुपचुप सीक्रेटली आप कोई ऐसा समझौता कर लेते हैं जो आपके खिलाफ, आपके जो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं उसके खिलाफ जाकर अगर आप किसी दूसरे से कोई आप समझौता कर लेते हैं, तो इस तरह के समझौता को क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग के डर से ही क्या करते हैं लोग, कि विधायक या सांसद को कहीं जाकर होटल में रख देते हैं, यह क्या कहलाता है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो ये आपके हॉर्स से आज के इडियम थे। अगर ये आपके इडियम काम आए, आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।